वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद इन। डियर स्टूडेंट्स, जो हम लोग पढ़ रहे हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का फर्स्ट चैप्टर व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि सबसे पहले क्या होता था, दो साल पहले फर्स्ट चैप्टर डेमोक्रेसी इन कॉन्टेम्पोरेरी वर्ल्ड, यानी फर्स्ट चैप्टर ये हुआ करता था। और अब वर्तमान में क्या है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। इसको हम लोग पढ़ रहे थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसकी कुछ चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली थी कि आखिर डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी किन किन, यानी कि, और हमने फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स के बारे में भी पढ़ा। बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ लिया था। फिर हम लोग डेमोक्रेसी के फीचर्स के बारे में पढ़ रहे थे, और डेमोक्रेसी के फीचर्स में हम लोगों ने देखा था कि इसके हमने तीन फीचर्स की बात कर लिया था। कौन कौन से तीन फीचर्स हैं, जिसको हम फिर से एक बार आपसे बताएंगे कि सबसे पहले हमने पढ़ा था कि इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी कहा गया कि लोकतंत्र में क्या होना चाहिए, अंतिम निर्णय किसके पास होना चाहिए, उस व्यक्ति के पास होना चाहिए, उन लोगों के पास होना चाहिए जो लोगों के द्वारा चुने गए हों, पब्लिक के द्वारा चुने गए हों। ये हम लोगों ने इसकी बात की थी। फिर हम लोगों ने बात की थी फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, यानी कि क्या है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावी जनसभा। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लॉसिंग। यानी पढ़ा था कि जो लोकतंत्र है ये अवश्य ही, यानी कि इसमें जो चुनाव होते हैं ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, जहाँ पर जितने भी जो भी लोग व्यक्ति पावर में हैं प्रेजेंट टाइम में, उन्हें भी कहीं ना कहीं हारने का संशय होना चाहिए और कहीं ना कहीं उन्हें भी हार का सामना करना चाहिए। दूसरी बात हम लोगों ने ये पढ़ी थी। जो इसका थर्ड फीचर हम लोगों ने पढ़ा था, इसमें था वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। यानी कि प्रत्येक, यानी कि लोकतंत्र में बताया गया कि प्रत्येक वयस्क नागरिक को ये अधिकार होना चाहिए, उसके पास एक वोट होना चाहिए, और प्रत्येक वोट का, यानी कि नागरिकों के प्रत्येक वोट का समान वैल्यू होना चाहिए। ये चीज़ें हम लोगों ने, ये कुछ तीन फीचर्स हम लोगों ने पढ़ लिए थे। नेक्स्ट इसमें क्या है कि रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। यानी क्या है कि नियम, यानी कि जो अधिकार, यानी कि कानून का नियम, अधिकारों का शासन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस, यानी जिम्बाब्वे की स्टोरी इसमें दी गई कि आखिर जिम्बाब्वे में किस तरह से क्या हुआ। तो बताया गया जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम व्हाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980। यानी कहा गया कि जिम्बाब्वे स्वतंत्र हुआ था क्योंकि वहाँ पे व्हाइट माइनॉरिटीज़ का, यानी कि जो गोरे लोग थे, इनका शासन था 1980 तक, और ये जाके स्वतंत्र हुआ। सिंस देन द कंट्री हैज़ बीन रूल्ड बाई जानू पीएफ, और तब से लेकर जो कंट्री है उसको शासित किया गया जानू पीएफ एक पार्टी, द पार्टी दैट लेड दैट द फ्रीडम स्ट्रगल। यानी जो जो ये ऐसी पार्टी है जिसने वहाँ के स्वतंत्रता संग्राम के समय, यानी स्वतंत्रता के समय संघर्ष किया था इस पार्टी ने, इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे, और इसके नेता कौन थे, नायक कौन थे, नेतृत्वकर्ता रॉबर्ट मुगाबे, रूल द कंट्री सीन्स इंडिपेंडेंस। और इन्होंने क्या किया, जब से यानी स्वतंत्रता मिली मैक्सिको, सॉरी जिम्बाब्वे को, तब से लेकर इन्होंने क्या किया, शासन किया, यानी स्वतंत्रता से लेकर 2017 तक रॉबर्ट मुगाबे ने इस देश पर शासन किया। इलेक्शन वर हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज ओन बाई जानू पी एफ। यानी ऐसा नहीं था कि वहाँ पे इलेक्शंस नहीं होते थे, इलेक्शन तो प्रत्येक समय पर वहाँ पर किए जाते थे, निर्धारित होते थे, और इलेक्शन हेल्ड होते थे, रेगुलरली हेल्ड होते थे, और सदैव क्या होता था, बस एक ही मात्र पार्टी जीतती थी जिसका नाम था जानू पी एफ। प्रेसिडेंट मुगाबे वॉज पॉपुलर बट ऑल्सो यूज अनफेयर प्रैक्टिस इन इलेक्शंस। अब चूँकि ये जो प्रेसिडेंट जो मुगाबे थे, ये बहुत ही फेमस पर्सन थे क्योंकि इन्होंने जो स्वतंत्रता संघर्ष हुआ था उसमें इन्होंने बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया था, इन्होंने देश को आज़ादी दिलाई थी, इसलिए लोग इन्हें पसंद करते थे। उसके बावजूद भी ये क्या करते थे, इलेक्शंस में गलत हथकंडे अपनाते थे, यानी बहुत सारे माल प्रैक्टिस करते थे, बहुत सारे इलेक्शन में गड़बड़ियाँ करते थे। ओवर द ईयर्स हिज गवर्नमेंट चेंज्ड द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स टू इंक्रीज द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल। यानी कहा गया कई बार इन्होंने, कई बार इनकी सरकारों ने क्या किया, वहाँ के संविधान में परिवर्तन किया, और उस परिवर्तन के तहत इन्होंने अपनी शक्तियों में, यानी कि प्रेसिडेंट की शक्तियों में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि की, और लोगों के प्रति जवाबदेही को कम किया, अकाउंटेबिलिटी को कम किया कि जवाबदेही किसी के प्रति नहीं होनी चाहिए। अपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हार्स्ड एंड देयर मीटिंग्स डिसरप्टेड। यानी जो वहाँ की अपोजिशन, यानी कि पार्टी थी, वो क्या करती थी, यानी वो काफ़ी परेशान होती थी, अपोजिशन पार्टी को बहुत ही नुकसान पहुंचाया जाता था, और कहीं ना कहीं अपोजिशन पार्टी, यानी कि जब
पीड़ित होती थी उसे यानी डिसरप्ट किया जाता था, उनकी मीटिंगों में तोड़फोड़ किया जाता था, उनकी मीटिंग को नष्ट किया जाता था। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डिमॉन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर डिक्लेयर्ड इलीगल। अगर लोग क्या करते थे, जन विद्रोह होता था गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो उसे अवैध करार दे दिया जाता था, उसे इलीगल करार घोषित कर दिया जाता था। देर वॉज अ लॉ, वहाँ पे एक कानून था, दैट लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट, जिसके तहत यानी कि जो प्रेसिडेंट के खिलाफ यानी कि ये लोग ज़्यादा विद्रोह यानी कि वहाँ पर नहीं कर सकते थे, उन यानी कि कुछ सीमाएँ निर्धारित थीं। टेलीविज़न एंड रेडियो वर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, वहाँ की जो मीडिया थी टेलीविज़न और रेडियो सारी चीज़ों पर नियंत्रण वहाँ पर सरकार का था, यानी कि जेएनयू पीएफ पार्टी की गवर्नमेंट की थी। एंड गिव ओनली द रूलिंग पार्टीज वर्जन, और केवल टीवी और रेडियोज पे वही चीज़ें दिखाए जाते थे जो कि यानी जो रूलिंग पार्टी चाहती थी, जो कि जेएनयू पीएफ की पार्टी चाहती थी वही होता था, वहाँ पर शो होता था। देयर वर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स, वहाँ पे जो न्यूज़पेपर्स थे वो तो स्वतंत्र थे, बट द गवर्नमेंट हरास्ट दोज जर्नलिस्ट हु वेंट अगेंस्ट इट। यानी वहाँ बताया गया कि जो वहाँ के मतलब न्यूज़पेपर्स थे वो तो मतलब उसे इंडिपेंडेंस बताए गए, उसके बावजूद क्या होता था कि अगर कोई भी जर्नलिस्ट ऐसा करता था कि उस पार्टी के विरोध में या उस लीडर के विरोध में अगर कुछ यानी कि प्रिंट कर देता या कुछ ऐसा मीडिया में ओपन कर देता तो उसे क्या हो जाता था, बहुत ही नुकसान पहुंचाया जाता था। द गवर्नमेंट इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट दैट वेंट अगेंस्ट इट एंड प्रेशराइज जजेस। यानी गवर्नमेंट कभी कभी क्या करती थी, कुछ कोर्ट के आर्डर होते थे उसे मानने से इनकार भी कर देती थी, और क्या करती थी, जो भी जज यानी उनके अगेंस्ट यानी निर्णय देता था उस पर प्रेशराइज किया जाता था, उसको उस पर दबाव डाला जाता था। ही वॉज फोर्स आउट ऑफ ऑफिस इन 2017। और यानी क्या हुआ कि इन्हें यानी कि रॉबर्ट मुगाबे को अपना पद त्याग करना पड़ा 2017 में। इन्हें यानी इस प्रकार के जो भी माल प्रैक्टिसेस गड़बड़ियां करते थे और ये वहां पे एक तरह से निरंकुश राज्य करते थे, कहीं ना कहीं सबका अंत होता है, तो इनका भी अंत 2017 में हटा हुआ और इनको भी उनके पद से हटाया गया। द एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे, यानी कि जो ये उदाहरण है जिम्बाब्वे का, शोज दैट पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द रूलर इज नेसेसरी इन अ डेमोक्रेसी। यानी ये उदाहरण ये बताता है कि यानी दैट पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द रूलर्स, यानी कि कोई भी शासक जिसे यानी कि काफ़ी वो प्रसिद्ध हो, नेसेसरी इन अ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र में इनकी ज़रूरत होती है, बट इट इज़ नॉट सफिशियंट, लेकिन इतना मात्र पर्याप्त नहीं है। पॉपुलर गवर्नमेंट्स कैन बी अनडेमोक्रेटिक, यानी कहा गया कि लोकतंत्र में पॉपुलर मतलब लीडर या पॉपुलर पार्टी का होना तो सही है, लेकिन इतना भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि पॉपुलर गवर्नमेंट जो भी होती हैं ये भी अलोकतांत्रिक हो सकती हैं, ये भी क्या हो सकती हैं, अनडेमोक्रेटिक हो सकती हैं। पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक, ये भी तानाशाही कर सकते हैं, जैसे कि आप बीजेपी की गवर्नमेंट में देख रहे हो प्रेजेंट टाइम में, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अच्छी की, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरीके से एक प्रकार से तानाशाही भी कही जा सकती है कि विपक्ष की पार्टियों को वहाँ पर कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं मिला और जो भी चीज़ें थी उसे उन्होंने कर डाला। तो यानी कि प्रसिद्ध जबकि बहुत ही फेमस है बीजेपी, यानी कि नरेंद्र मोदी, उनके नाम से ही लोग उन्हें वोटिंग करते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं क्या होता है, जो पॉपुलर लीडर्स होते हैं ये भी ऑटोक्रेटिक हो जाते हैं, उनकी गवर्नमेंट भी अनडेमोक्रेटिक हो जाती है। इफ़ वी विश टू एसेस अ डेमोक्रेसी, अगर हम इच्छा जताएं किसी भी मतलब लोकतंत्र की बात करें, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लुक एट द इलेक्शंस, तो हमें उसके चुनाव पर नज़र डालना होगा। अगर हमें लोकतंत्र को देखना है तो उसके चुनाव पर हमें नज़र डालना होगा। बट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि चुनाव के पहले की स्थिति और चुनाव के बाद की स्थिति पर यानी सही ढंग से नज़र डाला जाए, एंड आफ्टर द इलेक्शंस, ठीक है। देयर शुड बी सफिशियंट रूम फॉर नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी इंक्लूडिंग पॉलिटिकल अपोजिशंस इन द पीरियड बिफोर इलेक्शंस, यानी कहा गया एक पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए, पर्याप्त स्थिति मतलब सिचुएशंस प्रोवाइड कराई जानी चाहिए, यानी कि जो अपोजिशन पार्टी हैं कि वो भी यानी कि चुनाव के संबंध में अपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो भी हेल्ड कर सकें, वो भी पब्लिक के सामने कर सकें, उन पर किसी भी तरह से प्रेशराइज ना किया जाए, ना उनके मीटिंग को कभी किसी तरह से मतलब डिसरप्ट किया जाए, यानी कि उन्हें भी समान अवसर प्रोवाइड होना चाहिए किसी भी डेमोक्रेसी में। दिस रिक्वायर्स दैट द स्टेट शुड रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन, और इसके लिए आवश्यक है कि जो राज्य है यानी कि जो सरकार है उसे आदर करना चाहिए कुछ मौलिक अधिकारों का, कुछ बुनियादी अधिकारों का, नागरिकों के जो नागरिक के बुनियादी अधिकार हैं उसका भी सम्मान करना चाहिए, किसके द्वारा, राज्य या सरकार के द्वारा। दिस शुड बी फ्री टू थिंक, यानी
जो सिटीजन्स हैं इन्हें क्या होना चाहिए, इन्हें स्वतंत्र यानी इनको सोचने के लिए, इन्हें विचार करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, टू हैव ओपिनियंस, इनके अपनी बातों को व्यक्त करने के लिए भी इन्हें स्वतंत्रता होनी चाहिए, टू एक्सप्रेस दीज इन पब्लिक, किसी भी चीज़ों को ये पब्लिकली रखने के लिए भी इन्हें स्वतंत्र होना चाहिए, टू फॉर्म एसोसिएशन, इन्हें संगठन बनाने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, टू प्रोटेस्ट एंड टेक अदर पॉलिटिकल एक्शंस, और इन्हें भी अपने मतलब किसी भी बात के लिए मतलब ये विद्रोह भी कर सकें या जो भी राजनीतिक क्रियाकलाप हैं उसमें पार्टिसिपेट करें, इस सभी चीज़ों के लिए इन्हें मतलब स्वतंत्रता होनी चाहिए। एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, क्यों, और सभी व्यक्तियों को, प्रत्येक व्यक्ति को यानी कि नियम के समान, कानून के समक्ष समान होना चाहिए। दीज राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाई एन इंडिपेंडेंट, और ये जितने भी अधिकार हैं ये मतलब जो भी स्वतंत्र है यानी कि कहा गया है मस्ट बी प्रोटेक्टेड यानी इसकी रक्षा की जानी चाहिए बाई एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी कहा गया है कि निष्पक्ष यानी कि इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, स्वतंत्र न्यायपालिका प्राप्त होनी चाहिए, हुज ऑर्डर्स आर ओबेड बाय एवरीवन, जिसका आदेश, जिस न्यायपालिका का आदेश सभी के प्रति समान होना चाहिए और सभी को उस न्याय का मतलब आदर करना चाहिए। वी शैल रीड मोर अबाउट दीज राइट्स इन चैप्टर 5, इसके बारे में हम और अधिक चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। सिमिलरली देर आर सम कंडीशंस दैट अप्लाई टू द वे अ गवर्नमेंट इज रन आफ्टर द इलेक्शंस, इसी तरह से समान रूप से देर आर सम कंडीशंस यानी कुछ स्थितियां ऐसी हैं दैट अप्लाई टू द वे अ गवर्नमेंट इज रन यानी कि जिससे कि यानी कि अप्लाई होता है कि जो कोई गवर्नमेंट अगर रन कर रही होती है आफ्टर द इलेक्शंस चुनाव के बाद, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू व्हाट एवर इट लाइक्स, कोई भी लोकतांत्रिक सरकार ऐसा नहीं कि जो चाहे वही करे, सिंपली बिकॉज इट हैज़ ओन एन इलेक्शन, केवल इस आधार पर कि उसने चुनाव जीत लिया है तो अब जो चाहेगा वो मनमानी करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट हैज़ टू रेस्पेक्ट सम बेसिक रूल्स, उसे भी कुछ कानून नियम का पालन करना चाहिए। इन पर्टिकुलर इट हैज़ टू रेस्पेक्ट सम गारंटीज टू द माइनॉरिटीज़, और इसे जो भी यानी कि माइनॉरिटीज़ को जो गारंटी है यानी माइनॉरिटीज़ का रेस्पेक्ट करना चाहिए, उनकी जो गारंटीज उन्हें मिली हुई हैं उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए। एवरी मेजर डिसीजंस हैज़ टू गो थ्रू अ सीरीज ऑफ कंसल्टेशंस, और जितने भी बड़े निर्णय होने चाहिए वो जितने भी उसमें सीरीज ऑफ कंसल्टेशन यानी जितने भी लोग उससे जुड़े हुए हों उस सभी से निर्णय लेकर सभी के द्वारा तब किसी मेजर डिसीजन को दिया जाना चाहिए। एवरी ऑफिस बियरर्स हैज सर्टेन राइट्स, और जितने भी ऑफिस बियरर यानी जितने भी अधिकारी वर्ग हैं सभी को समान अधिकार, निश्चित अधिकार मिलने चाहिए, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सभी के पास समान जिम्मेदारी होनी चाहिए, साइंड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि संविधान के द्वारा दिया गया है, एंड द लॉ जो भी कानून और संविधान के द्वारा उन्हें प्रदान किया गया है। ईच ऑफ दीज इज अकाउंटेबल नॉट ओनली टू द पीपल, और इनमें से प्रत्येक बट ऑल्सो टू अदर इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स, ये यानी कि केवल ये सभी जितने भी ऑफिशियल्स हैं इन्हें केवल दूसरे यानी कि केवल नागरिकों के प्रति जवाबदेही इनकी नहीं होनी चाहिए बल्कि इन्हें यानी कि दूसरे अन्य स्वतंत्र जो भी ऑफिशियल्स हैं उनके प्रति भी उनकी जवाबदेही की जानी चाहिए। वी शैल रीड मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 4, इसके बारे में और भी ज़्यादा यानी चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। बोथ दीज एस्पेक्ट गिव अस द फोर्थ एंड फाइनल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि जितने भी ये एस्पेक्ट हैं, जितने भी ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं, ये फोर्थ एंड फाइनल फीचर है इसका डेमोक्रेसी का। इसमें कहा गया है अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स, यानी जितने भी लोकतांत्रिक सरकारें हैं या जो भी शासक हैं इन्हें कुछ सीमाओं के तहत काम करना चाहिए, सेट बाई कॉन्स्टिट्यूशनल जो कि उस देश के संविधान के द्वारा, उस देश के नियम कानून के द्वारा, नागरिकों के अधिकार के द्वारा उन्हें प्राप्त है उसका पालन करना चाहिए। जितने भी जो भी मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो यानी कि जो रूलिंग करें उन्हें इन कुछ सीमाओं जो भी संविधान या नियम कानून के तहत यानी उन्हें कार्य करना चाहिए। ये क्या है, फोर्थ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट समरी डेफिनेशंस, आखिर इसका संक्षिप्त यानी परिभाषा क्या है। लेट अस सम अप द डिस्कशन सो फार, आइए हम सभी चीज़ों का मिश्रण करते हैं, जितनी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। वी स्टार्टेड विद अ सिंपल डेफिनेशंस दैट, यानी हम इसकी शुरुआत एक साधारण सी परिभाषा से करते हैं जो कि हमने पढ़ा है। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी लोकतंत्र क्या है, सरकार का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें जो शासक वर्ग है ये लोगों के द्वारा चुना जाता है। वी फाउंड दैट दिस डेफिनेशन वॉज नॉट एडिक्वेट अनलेस वी एक्सप्लेन सम ऑफ द की वर्ड यूज इन इट, यानी हमने पाया कि ये जो परिभाषा है ये पर्याप्त नहीं है जब तक कि यानी कि जो हमने एक्सप्लेन किया है कुछ यानी कि जो की वर्ड्स हमने इसमें इस्तेमाल किया है उसको अगर परिभाषित ना किया जाए, उसको उसकी व्याख्या ना की जाए तब तक ये पर्याप्त नहीं है।
थ्रू अ सीरीज ऑफ एग्जाम्पल्स वी वर्क आउट फॉर फीचर्स, यानी बहुत सारे यानी कि क्रम में हमने कई उदाहरणों के साथ इसको देखा है कि इसके लोकतंत्र की जो विशेषताएं होती हैं, जो फीचर्स होते हैं एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो कि सरकार का स्वरूप है, अकॉर्डिंगली डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी लोकतंत्र के अनुसार जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच, यानी कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें क्या होता है, रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस, यानी रूलर्स क्या होते हैं, ये लोगों के द्वारा, पब्लिक के द्वारा, पीपल्स के द्वारा चुने जाते हैं और जितने भी बड़े निर्णय होते हैं, फाइनल डिसीजंस होते हैं, ये इन्हीं के द्वारा लिए जाते हैं। सेकेंड पॉइंट कहा गया है कि इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर्स, यानी कहा गया कि जो चुनाव होता है ये लोगों को यानी कि उनके चॉइस के लिए यानी कि देता है, पसंद करें, फेयर अपॉर्चुनिटी यानी कि उन्हें सभी को समान यानी कि एक प्रकार से अवसर मिलता है कि वो क्या करें, वो चेंज करें, जो भी करंट रूलर्स हैं अगर वो चाहते हैं तो उन्हें वो बदल सकें। थर्ड पॉइंट है दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल, और जो अवसर होता है ये समानता का, ये जो अवसर मिलता है ये सभी के लिए समान होता है, इक्वल बेसिस पे होता है। एंड और जो फोर्थ पॉइंट बताया गया है द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स, और बताया गया है कि ये जो एक्सरसाइज यानी कि है ऑफ दिस चॉइस यानी इस पसंद की लीड्स टू अ गवर्नमेंट, यानी कि किसी गवर्नमेंट को सरकार का नेतृत्व मिलता है लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स, यानी कुछ नियमों से बंधा होता है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के कुछ नियम कानूनों से बंधा होता है, एंड सिटीजंस राइट और नागरिकों के अधिकारों से बंधा होता है। ये क्या है, ये लोकतंत्र के बारे में बताया गया है, संक्षिप्त में इसको परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का कि व्हाई डेमोक्रेसी, कि आखिर लोकतंत्र ही क्यों, लोक यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो फिर लोकतंत्र की ही चर्चा हम लोग क्यों कर रहे हैं, लोकतंत्र ही इतना, इसकी बातें हम लोग इतना डिस्कशन लोकतंत्र पे ही क्यों कर रहे हैं। एन आर्ग्यूमेंट ब्रोक आउट इन मैडम लिंगदोस क्लास, यानी एक तर्क यानी होता है, जैसे कि आपने देखा मैडम लिंगदो की क्लास में किस तरह से तर्क वितर्क यानी जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं क्लास के कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। सी हैड फिनिश टीचिंग द प्रीवियस सेक्शंस ऑन व्हाट इज डेमोक्रेसी, उन सभी ने समाप्त किया जो पहले यानी कि जो उनका टॉपिक चल रहा था सेक्शंस यानी व्हाट इज डेमोक्रेसी का, एंड आस्क द स्टूडेंट्स इफ दे थॉट डेमोक्रेसी वॉज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और यानी कि उन्होंने पूछा यानी कि लोकतंत्र के बारे में जो भी उन्हें बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लगता था, जो भी वो सोचते थे डेमोक्रेसी के बारे में, उन सभी ने उसके बारे में चर्चा की। एवरी वन हैड समथिंग टू से, और लगभग सभी ने उसमें कुछ ना कुछ जरूर कहा, पार्टिसिपेट जरूर किया। डिबेटिंग मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, आखिर यानी क्या है कि ये वाद है मेरिट्स यानी कि उसकी अच्छाई पर, लोकतंत्र को, लोकतंत्र की अच्छाई को लेकर इस पर जो तर्क दिए गए हैं, इसके मतलब पक्ष में जो तर्क हैं, लोकतंत्र के पक्ष में कह सकते हैं तर्क। योलांडा यानी एक स्टूडेंट है, कहती है वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, जैसा कि हम सभी यानी कि एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल वांट डेमोक्रेसी, और विश्व के सभी लगभग कंट्री डेमोक्रेसी ही चाहते हैं। कंट्रीज दैट वर नॉट डेमोक्रेटिक आर्लर आर बिकमिंग डेमोक्रेटिक नाउ, और ऐसे देश जो पहले डेमोक्रेटिक नहीं थे लेकिन अब भी वो डेमोक्रेसी हो गए हैं। ऑल ग्रेट पीपल हैड सेड नाइस थिंग्स अबाउट डेमोक्रेसी, और जितने भी महान लोग हुए हैं लगभग उन्होंने भी डेमोक्रेसी के बारे में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें कही हैं। इज नॉट ऑब्वियस दैट डेमोक्रेसी इज द बेस्ट, तो क्या इससे ये पर्याप्त नहीं होता, इससे स्पष्ट नहीं होता कि डेमोक्रेसी एक अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। डू वी नीड टू डिबेट दिस, क्या इस पर अभी भी हमें तर्क करने की ज़रूरत है। तांकनी दूसरी स्टूडेंट्स है, कहती है बट लिंगदो मैडम हैड सेड वी शुड नॉट एक्सेप्ट समथिंग जस्ट बिकॉज इट इज़ फेमस, कहती है कि लेकिन मैडम लिंगदो ने कहा था कि किसी चीज़ों को हमें सिर्फ इसलिए ही स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए कि वो बहुत ही प्रसिद्ध है, जस्ट बिकॉज एवरी वन एल्स एस्पेक्ट्स इट, और ऐसा नहीं कि लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं तो हमें भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि मैडम लिंगदो ने इस बात पे डिस्कशन किया था और कहा था कि देखिए किसी चीज़ को हमें सिर्फ ऐसे ही स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए कि वो बहुत ही फेमस है या उसे सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं। इज नॉट इट पॉसिबल दैट एवरी वन इज फॉलोइंग अ रॉन्ग पाथ, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जितने भी लोग इसको फॉलो कर रहे हैं सभी गलत तरीके को अपना रहे हैं। जेनी यस बिल्कुल, इट एक्चुअली इज अ रॉन्ग पाथ, वास्तव में ये गलत तरीका है। व्हाट हैज डेमोक्रेसी ब्रॉट टू आवर कंट्री, आखिर डेमोक्रेसी ने हमारे देश का में क्या ला दिया। सेवन डिकेड्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड देयर इज सो मच पॉवर्टी इन द कंट्री, यानी 7 दशक बीत गए लोकतंत्र के हमारे देश में, उसके बावजूद भी हमारे देश में आज भी गरीबी है। रिव्यंग अदर स्टूडेंट्स, बट व्हाट हैज डेमोक्रेसी गॉट टू डू विद इट, लेकिन ये डेमोक्रेसी इसके लिए क्या करे, डेमोक्रेसी ने ऐसा क्या किया। डू वी हैव पॉवर्टी बिकॉज वी आर डेमोक्रेटिक, क्या हम गरीब हैं इसलिए क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र है, और डू वी हैव पॉवर्टी डिस्पाइट बींग अ डेमोक्रेसी, हम इसलिए गरीब हैं कि यानी कि क्या है कि हमारे देश में, आर डू वी हैव पॉवर्टी, या मतलब हम
गरीब हैं और लोकतांत्रिक हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट कहती है जेनी, वाट एवर हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस, कुछ भी हो लेकिन इसमें क्या अंतर है। द पॉइंट इज दैट दिस कांट बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि ये क्या है, ये सरकार का एक अच्छा स्वरूप नहीं हो सकता। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट चॉइस, यानी कि क्या है, कहीं ना कहीं पूरी तरह से पसंद पे डिपेंड करता है। इन स्टेबिलिटी यानी इसमें अस्थिरता होती है, इसमें भ्रष्टाचार होता है, इसमें पाखंडता होती है। पॉलिटिशियंस फाइट एमंग देमसेल्फ, जितने भी राजनीतिक होते हैं वो आपस में लड़ते हैं, भिड़ते हैं। हु केयर्स फॉर द कंट्री, जिन्हें कौन देश की देखभाल करता है, जिसे करना चाहिए। पॉइमन अदर स्टूडेंट्स, सो व्हाट शुड वी हैव इंस्टीड, तो इसके जगह पे हमें क्या करना चाहिए, गो बैक टू द ब्रिटिश रूल, क्या हमें फिर से वही ब्रिटिश शासन के अधीन हो जाना चाहिए, या इनवाइट सम किंग्स टू रूल दिस कंट्री, या किसी दूसरे राजाओं को अपने देश पर शासन करने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। रोज अदर स्टूडेंट्स, रोज टेल आई डोंट नो, मैं कुछ नहीं जानती। आई थिंक व्हाट दिस कंट्री नीड्स इज अ स्ट्रॉन्गर लीडर, मैं ये सोचती हूँ कि हमारे देश को एक बहुत ही मजबूत शक्तिशाली नेता की ज़रूरत है। समवन हु डज नॉट हैव टू बदर अबाउट इलेक्शंस एंड पार्लियामेंट, जो किसी भी चुनाव या संसद के मुठभेड़ में चीज़ों में ना फंसे। वन लीडर शुड हैव ऑल द पावर्स, एक ऐसा नेता जिसके पास सारी शक्तियाँ हों। ही शुड बी एबल टू डू वॉट एवर ही इज नीडेड इन कंट्रीज इंटरेस्ट, वो सब कुछ वो कर सके जो भी एक अच्छे राष्ट्र के लिए ज़रूरत हो। दैट एलॉन कैन रिमूव करप्शन, और अकेले ही वो भ्रष्टाचार को ख़त्म कर सके, एंड पुअर्टी फ्रॉम दिस कंट्री, और गरीबी को भी इस राष्ट्र से ख़त्म कर सके, ऐसा यानी कि कोई शासक कोई यानी कि होना चाहिए। समवन शाउटेड, तभी पीछे से आवाज़ आती है, कोई चिल्लाता है, दैट इज़ कॉल्ड डिक्टेटरशिप, इसे ही तो तानाशाही कहते हैं। होई, व्हाट इफ दैट पर्सन स्टार्ट्स यूजिंग ऑल दीज पावर्स और हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली, तो क्या वो व्यक्ति यानी उन जो भी शक्तियाँ उसके पास होंगी, क्या उसका गलत प्रयोग नहीं कर सकता है, या उन शक्तियों का प्रयोग वो स्वयं के लिए अपने परिवार के लिए नहीं कर सकता है। व्हाट इफ ही करप्ट हिमसेल्फ, क्या वो खुद करप्ट यानी भ्रष्टाचार नहीं हो सकता है। रोज, आई एम स्पीकिंग ओनली ऑफ द ऑनेस्ट, केवल मैं ईमानदार व्यक्ति की बात कर रही हूँ। सिंसियर एंड स्ट्रॉन्गर लीडर, किसी अच्छे नेक और मजबूत नेता की मैं बात कर रही हूँ, ना कि मैं किसी करप्ट पर्सन की बात कर रही हूँ। होई कहती है, बट दैट इज नॉट फेयर, लेकिन ये सही नहीं है। यू आर कंपेयरिंग अ रियल डेमोक्रेसी विद अ आइडियल डिक्टेटरशिप, आप तो तुलना कर रही हो एक आदर्श लोकतंत्र की एक आदर्श तानाशाही के साथ, आप कंपेयर कर रहे हो। वी शुड कंपेयर एन आइडियल विद एन आइडियल, हमें आदर्श का आदर्श के साथ कंपेयर करना चाहिए, द रियल विद द रियल, और वास्तविक का वास्तविक के साथ कंपेयर करना चाहिए। गो एंड चेक द रिकॉर्ड ऑफ डिक्टेटर्स इन रियल लाइफ, वापस जाइए और पढ़िए उनके बारे में, चेक करिए कि जो भी डिक्टेटर्स थे उनकी रियल लाइफ कैसी थी। दे आर मोस्ट करप्ट, वो बहुत ही ज़्यादा भ्रष्ट थे, सेल्फिश थे, ब्रूटल थे, क्रूर थे। इट इज़ जस्ट दैट वी डोंट गेट टू नो, और इसलिए मैं नहीं जानती अबाउट दिस, यानी इसके बारे में नहीं जानना चाहती। एंड व्हाट इज़ वर्स, कि क्या गलत है क्या सही, यू कॉन्ट इवन गेट रिड ऑफ देम, और आप सभी इससे यानी कि कभी छुटकारा ऐसे नहीं पा सकते। मैडम लिंगदो वॉज लिसनिंग टू दिस डिस्कशन विद इंटरेस्ट, नाउ सी स्टेप्ड इन, और वहीं पर मैडम लिंगदो जितनी भी डिस्कशन यानी जो वार्तालाप हो रही थी स्टूडेंट्स की, उसको सुन रही थी चुपचाप। नाउ सी स्टेप्ड इन, अब वो उसमें एंट्री करती हैं। आई वॉज डिलाइटेड टू सी यू ऑल आर्ग्यूइंग सो पैशनैलिटी, मैंने आप सभी को सुना इसमें डिस्कस करते हुए अपने पूरे ध्यान के साथ मगन होकर, आप सभी उस पर चर्चा कर रही थी। आई डोंट नो हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग, मैं ये नहीं जानती कि इसमें कौन गलत है कौन सही है। दैट इज़ फॉर यू टू सेटल, इसे आप ही को तय करना है। बट आई डिड फील दैट यू ऑल वॉन्टेड टू स्पीक योर माइंड, लेकिन मैं इस चीज़ को महसूस किया कि आप सभी अपने माइंड से यानी कुछ ना कुछ व्यक्त करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं। यू मे हैव फेल्ट वेरी बैड इफ़ समवन ट्राइड टू स्टॉप यू, अगर आपको बहुत बुरा लगता, यद्यपि आपको इन्हीं बीच में बातें करते हुए अगर आपको कोई टोकता तो आपको बहुत बुरा लगता, ट्राइड टू स्टॉप यू। और इफ़ समवन पनिश्ड यू, या इसके लिए आपको कोई अगर दंडित करता कि आप इतनी बातें डिस्कशन क्यों करते हो, फॉर सेइंग व्हाट यू फील्ड, जैसा कि आप महसूस करते हो जो आप कह रहे हो, वुड यू बी एबल टू डू दैट इन अ कंट्री दैट इज नॉट डेमोक्रेटिक, क्या ये सब जितनी देर से आप डिस्कशन कर रही हो, क्या आप इसी तरह से डिस्कशन किसी ऐसे कंट्री में कर सकते हो जहाँ पर डेमोक्रेसी ना हो।
इज दैट अ गुड आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी? क्या ये अच्छा तर्क है किसी लोकतंत्र के लिए? नेक्स्ट है आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, यानी विपक्ष में तर्क, लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क। दिस कन्वर्सेशन हैज मोस्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स दैट वी रूटीनली हियर अगेंस्ट डेमोक्रेसी, यानी कहा गया है जो जितनी भी वार्तालाप थी हैज मोस्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स, इसमें से अधिकतर जो तर्क थे दैट वी रूटीनली, जो हम बहुत ही मतलब अपने रूटीनली सुनते हैं, लगातार सुनते हैं, लोकतंत्र के खिलाफ चीज़ें सुनते हैं। लेट अस गो ओवर सम ऑफ दीज आर्ग्यूमेंट्स, आइए इसके कुछ तर्क पर हम बात करते हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट कहा गया, लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, यानी किसी भी लोकतंत्र में नेता परिवर्तित होते रहने चाहिए। दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी, और इससे क्या होती है जब नेता बदलते रहते हैं तो इससे क्या होती है, अस्थिरता आ जाती है। सेकेंड पॉइंट है डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, जो लोकतंत्र है ये पूरी तरह से राजनीतिक प्रतियोगिता है और शक्ति प्रदर्शन है, शक्ति का खेल है। देयर इज नो स्कोप फॉर मोरलिटी, यहाँ पर नैतिकता का कोई स्थान नहीं होता, नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। थर्ड पॉइंट कहा गया, सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिलेज, यानी कहा गया कि किसी भी मतलब क्या होता है जो डेमोक्रेसी होती है इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, इस वजह से किसी भी मतलब क्या होता है डिसीजन को लेने में बहुत ही डिले हो जाता है, बहुत ही समय लगता है। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट, यानी इसको जो थर्ड पॉइंट कहा गया इसका मतलब जैसे पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट में बहुत ही सारे मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स क्या करते हैं बहुत ही डिस्कशन होता है किसी भी अगर एक्ट को यानी कि इस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए आप देखते हैं कि लगातार पार्लियामेंट चलता है, कई कई दिनों तक चलता है, कितनी बहस होती है। तो इसलिए इसमें कहा गया कि ये क्या होता है डेमोक्रेसी में मतलब क्या होता है इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, इस वजह से किसी भी डिसीजन में क्या होता है लीड्स टू डिलेज, यानी कि उसके नेतृत्व में बहुत ही देर होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, और जो चुने हुए नेता होते हैं वो ये नहीं जान पाते कि आखिर यानी कि लोगों के प्रति यानी कि उनका इंटरेस्ट क्या है, लोगों का इंटरेस्ट क्या है, लोग आखिर क्या चाहते हैं। इट लीड्स टू बैड डिसीजन, और इसके वजह से यानी कि गलत निर्णय भी वो ले डालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डेमोक्रेसी लीड टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन, क्योंकि इसमें चुनावी प्रतियोगिता होती है, इस वजह से इसमें बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचार भी होता है। ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, और जो सामान्य लोग होते हैं ये नहीं समझ पाते कि आखिर उनके लिए अच्छा क्या है। दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग, वो किसी भी चीज़ को निश्चय नहीं कर पाते। आर देयर सम अदर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, क्या और भी कुछ ऐसे तर्क हैं जो लोकतंत्र के विरुद्ध हों? दैट यू कैन थिंक ऑफ, जिसे आप सोच सकते हैं, विच ऑफ दीज आर्ग्यूमेंट्स अप्लाइज मेनली टू डेमोक्रेसी, और में से कौन से ऐसे तर्क हैं जो मुख्यतः लोकतंत्र पर अप्लाई होते हैं? विच ऑफ दीज कैन अप्लाई टू मिसयूज़ ऑफ एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और इसमें से कौन से ऐसे हैं जो यानी कि गवर्नमेंट के विभिन्न स्वरूप जो होते हैं उसमें मिसयूज़ यानी कि उस पर अप्लाई होते हैं? विच ऑफ दीज डू यू एग्री विद, और कौन से ऐसे तर्क हैं जिसके साथ आप सहमत हैं, एग्री कर रहे हैं? क्लियरली डेमोक्रेसी इज नॉट अ मैजिकल सोल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स, यानी वास्तविकता देखा जाए तो लोकतंत्र जो है ये किसी भी यानी सभी समस्याओं का के हल के लिए कोई जादुई छड़ी नहीं, कोई जादुई हल नहीं है। इट हैज़ नॉट एंडेड पॉवर्टी इन आवर कंट्री, और इसने हमारे देश में गरीबी इसने नहीं समाप्त की है। एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और विश्व के कई हिस्सों में भी इसने यानी कि गरीबी को खत्म नहीं कर पाया है। ये डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इस सरकार का ऐसा स्वरूप है, ओनली इंश्योर दैट, जो केवल इस चीज़ को इंश्योर करता है, पीपल टेक देयर ओन डिसीजन, कि लोग अपने निर्णय खुद से लें। दिस डज नॉट गारंटी दैट देयर डिसीजन विल बी गुड, और यानी कि ये गारंटी नहीं देता कि इनके जो निर्णय होते हैं वो अच्छे होंगे। पीपल कैन मेक मिस्टेक्स, लोग गलतियां भी करते हैं, लोगों से ही गलतियां होती हैं। इन्वॉल्विंग द पीपल इन दीज डिसीजंस डज लीड टू डिलेज इन डिसीजन मेकिंग, और इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व होते हैं और कहीं ना कहीं निर्णय लेने में यानी ज़्यादा सदस्य होने के कारण क्या होता है किसी भी डिसीजन में बहुत ही डिले भी होता है। इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट डेमोक्रेसी लीड्स टू फ्रिक्वेंट चेंजेस इन लीडरशिप, और कहा गया है इट इज़ ऑल्सो ट्रू, और ये भी सत्य है कि जो लोकतंत्र है लीड्स टू फ्रिक्वेंट चेंजेस, में बहुत जल्दी यानी परिवर्तन भी नेतृत्वशिप में यानी कि लीडरशिप में चेंजिंग होता रहता है, मतलब एक पार्टी इलेक्शन जीती फिर दूसरी पार्टी जीती यानी चेंजिंग होता रहता है। समटाइम दिस कैन सेट बैक बिग डिसीजंस एंड अफेक्ट द गवर्नमेंट्स एफिशिएंसी, यानी कभी कभी क्या होता है जब भी गवर्नमेंट कोई यानी कि एक सरकार होती है बड़े निर्णय लेती है, कुछ काम करना स्टार्ट करती है, तब तक इलेक्शन आ जाता है, चुनाव होता है, और चुनाव के बाद दूसरी पार्टी जीत जाती है तो जो पहले का काम हो रहा होता उसको सभी मतलब अस्त व्यस्त करके फिर वो अपने तरीके से काम करता है, तो कहीं ना कहीं ये क्या होता है इससे भी यानी कि जो भी कार एक्टिविटीज़ होते हैं, जो भी यानी पब्लिक के इंटरेस्ट की चीज़ें होती हैं वो प्रभावित होती हैं, ये यहाँ पर कहने का इसका तरीका है।
दीज आर्ग्यूमेंट शोज दैट डेमोक्रेसी ऑफ द काइंड वी सी मे नॉट बी द आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी जितने भी तर्क हैं इससे ये पता चलता है कि जो लोकतंत्र है ऑफ द काइंड वी सी यानी जिसे हम देखते हैं मे नॉट बी द आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये आदर्श स्वरूप नहीं भी हो सकता है सरकार का, ये आदर्श स्वरूप नहीं भी हो सकता है। बट दैट इज नॉट अ क्वेश्चन वी फेस इन रियल लाइफ, लेकिन यानी कि बट दैट इज नॉट अ क्वेश्चन, लेकिन ये प्रश्न नहीं है जो कि हम अपने वास्तविक जीवन में जिसका सामना कर रहे हैं। द रियल क्वेश्चन वी फेस इज डिफरेंट, यानी कि वास्तविक क्वेश्चन वो है जिसे हम सामना कर रहे हैं वो इससे भिन्न है। इज डेमोक्रेसी बेटर दैन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमने सिर्फ ये क्वेश्चन करना है कि क्या लोकतंत्र जो है ये अन्य यानी कि गवर्नमेंट के स्वरूप से अच्छा है। देट आर देयर फॉर अस टू चूज फ्रॉम, जिसे हम अपने लिए यानी कि क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं। तो आज के वीडियो में स्टूडेंट्स बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो जितने स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, बेल वाली आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अपना ख्याल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।